साथ इस वक्त मौजूद हैं कलीम अहमद साहब, ऑर्गेनाइजर इस मैच के, जो ये बहुत ज़बरदस्त मैच करवा रहे हैं टिकटॉकर्स, स्टार्स और यूट्यूबर्स के दरमियान। तो कलीम साहब, कैसे आपको ख्याल आया कि इस तरह से ये मैच करवाया जाए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब ये ईद के बाद एक हमने कहा कुछ होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, तो हमने एक फेस्टिविटी की है। इसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, इसके अलावा टिकटॉकर्स भी हैं, तो आपके सामने हैं। हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि इस एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा है, कुछ एक्टिविटी प्लान करें। इसमें सऊद हाशमी फिल्म स्टार हैं, इस तरह से आपका फ़हीम अब्बास हैं, और इसके अलावा जैसे यूट्यूबर्स के अंदर अच्छे यूट्यूबर्स हैं, कराची वाइंस हैं और डिफरेंट थ्री इडियट्स हैं। मीडिया के टीम में भी आपके कह लें कि हमाद फराज, मतलब अच्छे सेलिब्रिटी, ड्रामा स्टार बिल्कुल, टीपू शरीफ, ये सारे तो सिंगर्स भी हैं। इस तरह से हमने एक कुछ न्यूज़ एंकर भी हैं, तो हमने सबको जमा करने की कोशिश की है। और ये जो इवेंट है, ये यूजी ब्रदर्स एंड एक्सपोजर स्टूडियो, हम दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फोर टीम्स में कंपटीशन रखा हुआ है, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स एंड शोबिस। तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला जो है एक इवेंट है, और बहुत से लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत से स्पॉन्सर्स हैं अच्छे, जिन्होंने जो हमारे पावर्ड जो है वो हमारी किंग्स बिल्डर्स वालों के पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं और दैट्स इट। ग्राउंड में जब भी मैच होता है तो जितने स्टार्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, और मैं उन लोगों को प्रमोट करने के लिए अपने ग्राउंड में आ जाती हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि सब इतनी मेहनत और शफ़क़त से मेरे ग्राउंड में आते हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उज़ैर की, उमैर की, इन लोगों की बड़ी अच्छी काविश है। हम इसमें स्पॉन्सर पिछली दफ़ा भी रहे हैं, इस दफ़ा भी हमारी स्पॉन्सरशिप है किंग्स ग्रुप की। और ये ज़ाहिर है एक कराची का इवेंट है और कराची के लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और हमारा हमेशा से किंग्स ग्रुप का यही रहा है कि कोई भी इंटरटेनमेंट ऐसी हो जो हमारे शहर के लिए अच्छी हो, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्ट्स को भी करते हैं, बाकी और चीज़ें भी हैं, उनमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। और इंशाल्लाह ताला इनके साथ सीज़न 3 जो हम लाइनअप करेंगे, उसमें वुमेंस क्रिकेट को भी हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल लेकर आएंगे। इस तरह के हेल्दी कॉम्पिटिशन और हेल्दी गेम्स होने चाहिए कराची में, देख रहे हैं इसको, आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। बिल्कुल, इसके अंदर व्लॉगर्स से और यूट्यूबर्स से और हमारी स्टार 11 की टीम थी, तो बड़ा अच्छा खेला है सबने। और देख रहे हैं अभी चल रहा है आखिरी इनिंग है, और यूजी ब्रदर्स का सेकंड जो है ये इन्होंने वो कराया है, सेकंड सीरीज है मेरे ख्याल से ये उनकी, तो अच्छा है। जो कि हमारा एक वेपिंग शॉप है, हमारा वेपिंग ब्रांड है कराची में, जो कि अभी एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे स्पॉन्सर करने का, अपने शॉप को प्रमोट करने का हमारा पर्पस ये है कि यूथ जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ जा चुका है, उनको वेपिंग की अवेयरनेस देना, बिकॉज वेपिंग इज़ वे मोर लेस हार्मफुल देन स्मोकिंग। और बाकी स्मोकिंग जैसा सबको पता है वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड चल चुका है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको स्पॉन्सर किया और अवेयरनेस फैलाने की, प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में भी। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं अभी तक तो, और देखें मेरा बेस्ट टीम विंस। और अभी तक तो काफ़ी अच्छे मैचेज हुए हैं, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे, सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे मैचेज हो रहे हैं अभी तक तो। बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं पहले बहुत मैचेस देखने आती थी यहाँ पर, और आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस यू नो मैच क्रिकेट, तो आज मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका एंथम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी एक्साइटेड। हाँ, मैं सपोर्ट तो सभी को कर रही हूँ, ऑफकोर्स मैंने सबके लिए बनाया, उसमें स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है, उन सबके नाम मेंशन किए हुए हैं और उनको स्टार्स को मेंशन किया हुआ है। आधे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, इन फ्यूचर कर भी रही हूँ, म्यूज़िक वीडियोज़ कर रही हूँ उनके साथ। सो आज सारे के सारे एक साथ मिल गए हैं, अंडर द वन रूफ सारे मिल गए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम वेरी हैप्पी। मैं मीडिया की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज उसमें मेरे दोस्त हैं शहजाद सिद्दीकी, रिजवान, वकास रिजवी, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, और पता नहीं क्या होगा, बढ़िया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मेरे भी पर्सनल फेवरेट शायद अफरीदी और इमरान खान है।
लाइक ऑल टाइम फेवरेट. मुझे इतना मैच में इंटरेस्ट नहीं है बट आई मीन शाहिद अफरीदी और इमरान खान के मैंने मैचेस बहुत सारे देखे हुए हैं और जैसे कि मैंने अभी बताया मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दोस्तों को सपोर्ट करना है. इट्स फन एक्टिविटी है, जरूर होना चाहिए, इट्स हेल्दी एनीवेज. देखें एक फैमिली जैसा माहौल है और ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए और बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम लोग भी ये चाहते हैं. देखें ये हमारे सारे दोस्त यार हैं और जो ये लोग काम करते हैं इनके साथ टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगता है. एज ए स्पोर्ट्स मैन अगर हम इनके साथ मिलकर खेलते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है और अच्छा मैसेज जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कोशिश करते हैं गेट टुगेदर है, मैच तो एक बहाना है, तो कोशिश करते हैं अच्छा टाइम गुजारें. दोस्त यार हैं सारे, हम लोग हार्डबॉल भी खेलते हैं, टेबल का भी इवेंट है, सारे दोस्त यार हैं तो कोशिश करें इसको एंजॉय करें. ये हमारी टीम है जी बिल्कुल और बहुत अच्छे प्लेयर्स हमारे पास. असद शफीक हैं, खुर्रम मंजूर हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, सारे स्टार्स हैं बेसिकली पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनकी टीम है ये यूट्यूबर्स और बिल्कुल बिल्कुल ये अलग अलग टीमें हैं उनसे हम लोग खेलने आए. अच्छा खेलेगी वही जीतेगी ये तो कन्फर्म है. मुशरफ साहब को अपनी टीम पर भरोसा था, इमरान खान को अपनी टीम पर था, तो भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी लेकिन कोशिश करेंगे जीतें. प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, वेरी प्रोफेशनल और बहुत अच्छे लड़के हैं. असल में हमारा गोल जीतना हारना नहीं है यहाँ पे, हमारा गोल ये है कि सब यूनाइटेड हो, एंजॉय करें, क्रिकेट अच्छी हो और क्रिकेट को प्रमोट करें और आपस में एक दूसरे के साथ रहें भाईचारे की तरह, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी हो रही है प्यार मोहब्बत की, भाईचारे की. तो इंशाल्लाह यही हमारा एम है. ऑफ कोर्स सारे हमारे बॉयज़ एनर्जेटिक हैं, ये ना समझे कि हम सारे एक्टर्स हैं लेकिन हम लोग पक्के वाले क्रिकेटर्स भी साथों साथ हैं. आई होप कि हमारी टीम ही जीतेगी और सारे अच्छे प्लेयर्स हैं. इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान के दो ज़बरदस्त सुपरस्टार्स भी हैं, असद और खुर्रम, तो हमारी उम्मीद ज़्यादा हाई है कि हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह. देखें हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास गेम और कौन सा है क्रिकेट के अलावा, तो ये तो देखें हम सबकी मोहब्बत है. ऑफकोर्स हम सारी ज़िंदगी खेलते रहे हैं, म्यूज़िक अपने प्रोफेशन है, क्रिकेट हमारी इंटरटेनमेंट है, हमारी जान है. जैसे छक्के लग रहे हैं आप देख रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं आपको, तो वी आर हेयर टू इन्जॉय. मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. यही तो हमारी एक्टिविटी है हेल्दी, और इसके अलावा है क्या हमारे मुल्क में. इस बहाने अच्छे लोगों से मिल लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, इज़ अ पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी, और क्या चाहिए आपको. मैच में बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे बैट्समैन जो हैं वो अच्छा खेल खेल रहे हैं. खुर्रम मंजूर इस वक्त जो हैं वो छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं, कामरान खान क्रीज पे हैं, बाकी वेट कर रहे हैं. इट्स गुड, इन्जॉइंग. पहला मैच तो मुझे लग रहा है वन साइडेड होगा काफ़ी, जिस हिसाब से ग्रीन टीम बैटिंग कर रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि ये कोई, ये देखें एक और छक्का, कि ये कोई वापसी होगी इसमें. गैदरिंग बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, इतने सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, सब खेलने के लिए भी आए हुए हैं और देखने के लिए भी आए हुए हैं. अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल तरीके से लोग बैठे हुए हैं. ईद के बाद एक बार दोबारा से ईद हो गई. देखें जी ये मेला सजाया जाता है क्रिकेट का, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती है और ये सारे जो मैचेस होते हैं ये इसलिए नहीं होते कौन जीता कौन हारा, ये इसलिए होते हैं कि हम सारे भी स्पोर्ट्स और एथलीट हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, वैसे ही इस ग्राउंड में भी रखते हैं. तो खुशी का समा बिखेरा है किंग्स बिल्डर ने और यूजी डिज़ाइनर और हमारे सुहेल जो एक्सप्लोरर स्टूडियो वाले हैं उन्होंने. होप फॉर द बेस्ट कि लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट और अच्छी क्रिकेट दे सकें. सर हम टिकटॉकर्स के साथ खेल रहे हैं, टिकटॉकर हैं तो टिकटॉकर से खेलेंगे ना. अच्छा दोनों टिकटॉकर ही खेलेंगे आपस में? नहीं नहीं आपस में नहीं, हमारा मैच है मीडिया के साथ, चार टीम है टोटल हमारा है, उसके बाद स्टार्स के साथ, उसके बाद फिर यूट्यूबर्स के साथ है जी. अगर इंशाल्लाह हम जीतेंगे और ट्रॉफी भी हमारी है, आप रहिएगा यहीं पे, फिर आप ले देखिएगा और कवरेज भी कीजिएगा पूरे से. जी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि हम ये टूर्नामेंट विन करें, जिस उम्मीद से हम यहाँ पर आए हैं और जिस लगन से, और इंशाल्लाह देखें आगे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह विन करेंगे.